Asslam-o-Alaikum viewers, welcome back to my channel beauty tips. में मैं आज आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ. जैसे कि आप जानते हैं मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे आपको आसानी हो सके आपकी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए. तो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊँगी अपने हाथों और पैरों के लिए बहुत ही आसान नुस्खा है. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हाथों पैरों पर बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है, जैसे कि अब गर्मी है और गर्मी से धूप से तो बहुत ज़्यादा ही हम लोगों का रंग काला हो जाता है. तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी तो कि हम अपनी ये खूबसूरती किस तरह बरकरार रख सकते हैं. तो आए चले मैं लेकर चलती हूँ आपको अपनी वीडियो की तरफ. अगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें. व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं सिरका सेब ये एप्पल का सिरका है, जैसे कि सेब का, जैसे कि आप जानते हैं सेब का सिरका बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत अच्छा रहता है और ये हमारी स्किन की मैल काटता है. ये बहुत ही ब्लीच का काम करता है, बहुत ही अच्छा रहता है. उसके मैं आज अपनी वीडियो में इसका यूज़ बताऊंगी. उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल, जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम हो जाएगी और बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, शाइनिंग स्किन होगी. और जैसे कि आप जानते हैं हमारी स्किन के लिए एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद है, बहुत ही अच्छा रहता है. तो हम एलोवेरा जेल और सेब के सिरके से आज अपनी रेमेडी बनाएंगे. अब आप देख सकते हैं मैंने इसके लिए सबसे पहले एक ले लिया है कटोरी और एक चम्मच. अब इसमें हम अपना पेस्ट तैयार करेंगे. सबसे पहले मैंने ले लिया है सिरका, सेब का सिरका. इसमें मैं 2 चम्मच सेब का सिरका ऐड, उसके बाद में 1 चम्मच इसमें एलोवेरा जेल देते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लिया है. अब इसमें मैं ये ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मैच कर लूँगी. अभी मैंने अच्छे तरीके से मैच कर लिया. अभी इसको आप किसी भी कॉटन या किसी ब्रश के ज़रिए अपने हैंड्स और फुट पर यूज़ कर सकते हैं. इसको आप अपनी नेक पर भी यूज़ कर सकते हैं. इसको आप अच्छी तरीके से इस तरह लगा लेंगे. अब मैं इसको इसी तरीके से 10 मिनट के लिए लगा छोड़ दूँगी. ये आप रोज़ाना भी कर सकते हैं यूज़, रोज़ाना आप रात को सोने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं और डे में भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी स्किन के लिए बहुत ही यूनिक रहेगा. और आप देख सकते हैं 10 मिनट पूरे हो गए हैं तो मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी. अब आप देख सकते हैं मेरे हैंड्स पे कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है. बहुत ही ज़्यादा मेरी स्किन स्मूथ हो चुकी है. इसको देखें आप लोग यूज़ कर अपने घर में और इसकी बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट आएगा इसका, बहुत ही अच्छा. देखें कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है इसकी. अब आप इसको देख सकते हैं मेरे हाथ को अच्छी तरीके से, कितना अच्छा रिज़ल्ट आया इसका. आप इसको यूज़ करें और मुझे बताएं, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा. अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स.